Assalamualaikum viewers, this is my first video in Hindi. मैं हिंदी में मेरा पहला ब्लॉग है ये. बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि मैं हिंदी में ब्लॉग करूं, इसलिए मैं मेरा फर्स्ट हिंदी में ब्लॉग ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट की सब डिस्ट्रिक्ट आशुगंज में कर रहा हूं. आशुगंज मेरी बीबी की घर है. मेरे साथ मेरे बड़ी भाई रोनी भाई और मेरी छोटी भाई अरमन भाई भी यहाँ मौजूद है. आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ का सबसे खूबसूरत प्लेस को. मैं हिंदी में बहुत चेक कर रहे हूँ, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग जरूर कमेंट करना, लाइक करना और जरूर मुझको बताना कि मेरा वॉइस और हिंदी में मेरा बात सही हो रहा है या नहीं. तो गाइस, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो मैं चले जाऊंगा मेरे नेक्स्ट पार्ट में. मेरे साथ रहना पूरा ब्लॉग भर. अस्सलाम वालेकुम गाइस. ये आशुगंज पावर हाउस स्टेशन है. ये जापान तैयार किया था. अब ये अबंडन है, ये अब परित्यक्त है. जापानीज कंपनी ये अब तोड़ेंगे और फिर भी ये नया वाला एक तैयार करेंगे. वो इधर तैयार करेंगे. अब ये टेम्पोरी नहीं, ये परमानेंटली क्लोज हुआ. नेक्स्ट वेन्यू पर जाते हैं, तो आप जरूर मेरे साथ रहना गाइस. दिखाऊंगा ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये बहुत सुनसान है. यहाँ पर लोग आते जाते बहुत ही कम है. इसकी सबसे खूबसूरत सीन ये फूल है. ये फूल का नाम मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताना. बहुत खूबसूरत फूल है ये. अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एक काठ का बाजार है. यहाँ पर काठ सेल होता है, वो भी सेफ्टी में. सेफ्टी इज ए यूनिट फॉर सेलिंग और बाइंग वुड. ये काठ का बाजार बहुत ही खूबसूरत है. ये 230,000 वोल्ट का पिलर है, इससे सब दूर रहना. ये बहुत ही खतरनाक है. ये जो आप बोट देख रही है, इस बोट से धान, गम, चल और तेल नदी का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती है. घाट की इस पर बहुत ही खूबसूरत है, वो भी इस बोट को देखकर मन भर गया, माशाल्लाह. काट की बाजार से हम गुजरते हुए थोड़े से पैदल चल के सामने गया और सामने जाकर हमको एक बहुत बड़ी हाट दिखा. हाट मीन्स बाजार दिखा. इस बाजार का व्यू भी बहुत खूबसूरत था. नदी का किनारे में काट की बाजार है. ये सिर्फ हफ्ता में 2 दिन ये होता है. फिर हम चलकर वो बहुत पुराने जगह में गया. इधर बहुत एंटिक पीस मिला हमको. ये जहाज़ भी बहुत खूबसूरत था. हम एक टाइम लैप्स लिया और यह का नजराना बहुत ही खूबसूरत था. ये मेरे पीछे आप जो देख रही है, ये एक परित्यक्त टैंक है. यहाँ पर बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट वॉर के पहले का टाइम पे यहाँ पर पानी स्टोर करता है. या जो तुम देख रहे हो, ये पावर प्लांट है. यहाँ पावर प्लांट से ये कैनल से बहुत ही ज्यादा गर्म पानी यहाँ सब समय बह रहे थे. ये पानी सब समय नदी का पानी से मिलजुल कर ये टेम्परेचर न्यूट्रल करता है था. तो मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि अब ये परमानेंटली ब्लॉक हुआ है. यहाँ पर सब कुछ जंग धर गया, सब कुछ जंग धर गया. एंड हम आपको जो पुराना जो एंटिक पहले के टाइम के बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है वो हम आपको दिखाएंगे.
ये आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं ये मेघना नदी है, बेस्ट फाइव और थ्री नदी में एक नदी है। आप ये जो बोट दिख रही है ये खनन कर रही है, ड्रेजिंग कर रही है। ये आप जो जहाज देख रही है वो एक सरकारी जहाज है, वो तेल की जहाज है, वेट कर रही है फॉर परमिशंस। दीज आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ मेघना रिवर। जो आपको हम पावर प्लांट दिखाया था वो अब परमानेंटली क्लोज हो गया, और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये फिर भी एक न्यू इम्प्लांट कर गया। ये जो रास्ता था पहले के समय ये चालू था, अब क्लोज हो गया, यहाँ पर घनी जंगल हो गई। आपको हम दिखाएंगे, ये बहुत खरा हुआ, ये कंक्रीट का है। ये पहले रास्ता हुआ करता था, अपने आंखों से देखे ये अब जंगल हो गया। वो जो आप देख रहे हैं ये हमारा न्यू पावर प्लांट है, इससे 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर उत्पन्न होती है हर रोज। यहाँ से हमारा मेघना नदी का व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो माशाल्लाह देखिए, यहाँ का फूल बहुत ही खूबसूरत है। ये आप लोगों को लिए है, प्लीज मेरा वीडियो ज्यादा ज्यादा लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक वैल्यूएबल कमेंट ही हमको इंस्पायर करेगा, फिर पहले मैं हिंदी में व्लॉग दूंगा। तो आपके लिए ये थैंक यू। ये बिल्डिंग देख रही है, ये मेरे बीबी की घर है। सादा ये जो बिल्डिंग है ये मेरे बीबी की बिल्डिंग है। ये ब्रिज दोनों डिस्ट्रिक्ट को अलग किया है, एक है ढाका डिस्ट्रिक्ट और एक है चिटांग डिस्ट्रिक्ट। अब मैं आप लोगों को जो व्यू दिखाऊंगा वो एक ब्रेथ ट्रेकिंग व्यू है। वो मेघना नदी का एक बहुत ही ज्यादा रेयर व्यू है, वो आप देखेंगे। तो मेरे साथ आना फ्रेंड्स, कम ऑन। ये आप जो दिख रही है वेदर बहुत ही बुरा है, थोड़ी थोड़े बारिश होने लगी है। तो ये गाइस आपके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, इस बुरे वेदर में भी मैं ब्लॉग कर रही हूँ आपके लिए। तो जरूर मेरे को सपोर्ट करना भाई। और ये जो आप काली काली घने मेघ देख रही है, बहुत बड़ी एक थंडर की निशाना है। ये हमारी बांग्लादेश में एक जो तूफान आने वाला है उसका नाम है रिमाल। रिमाल के लिए इलाका में सब जगह ये जो बारिश होने लगी है और बहुत ही ज्यादा हवाएं बहने लगी है। तो आप गाइस देखना, कुछ समय बाद ही हम बहुत ही ज्यादा और खरे बारिश देखने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं हम रोक पाएंगे इधर। ये मेरे पीछे जो आप क्वार्टर देख रहे हैं ये क्वार्टर मामूली इंसान और आदमी के लिए नहीं है, ये ऑफिसर लोग के, बहुत ज्यादा बड़ी ऑफिसर लोग के लिए है। यहाँ पर बांग्लादेशी नहीं रहते, यहाँ पर डच, इंडियन, पाकिस्तानी, स्विट्जरलैंड, अमेरिकन, यूके के रहने वाले सब बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ पर रहता है। बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल मेघना नदी के पार से ये क्वार्टर शुरू होता है। ये बहुत ही सुंदर है, आपको हम किसी और ब्लॉग में ये जगह भी दिखाएंगे। ज्यादा टेम्परेचर है इस पानी का, हम यहाँ से भी इसका ताप जो फील कर रही है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है।
ये पानी नदी से, नदी का पानी से जो मिक्स हुआ गया और यह पानी का टेम्परेचर न्यूट्रल हो गया। ये जो आप साइन बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गली बोल गया कि यहाँ पर डाइव और स्विम नहीं करना बिकॉज इसकी प्रेशर बहुत ही ज्यादा है और इसमें जान भी जा सकती है, ये बहुत खतरनाक है। अब आप जो धुआं देख रही है ये स्टीम है, बहुत ही गर्म पानी है। यहाँ पर वॉचमैन थी फिर भी हम ये जो ब्रिज के ऊपर चढ़ी और अफसोस ब्रिज की उस पर जो गेट है वो क्लोज था इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। ये ब्रिज का जो बड़ी पाइप है इससे पानी इस पर से उस पर लेता है, ये पानी से इंजन ठंडा करते हैं। वो इंजन का जो सादा धुआं तुम लोग देखा वो भी ये स्टीम ही है। ये जो फूल आपने देखा ये बहुत ही खूबसूरत है। ये आप जो देख रहे हैं ये गैना घाट सेतु है, यहाँ पर पहले के टाइम बोट का ड्राइवर है उसको बंगला में गैना कहते हैं, तो बोट का ड्राइवर के नाम से ये ब्रिज नामकरण किया है गैना घाट सेतु, सेतु से हम ब्रिज बोलते हैं। तो ये जगह भी बहुत खूबसूरत। ये APSCL का प्रवेश गेट है, ये जो इलाका है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो गाइस मैं बहुत ही थक गई, मेरे बहुत ही पसीना छूट गई। ये जो मैं यहाँ से जर्नी शुरू किया था यहाँ से इधर इधर से बहुत ही ज्यादा घूमकर इस रास्ते में अब यहाँ पर ही खत्म कर रही हूँ। तो अब शाम की वक्त है, ये जो मगरिब का अजान दे रही है हमको घर जाना है। ये तो मेरा फर्स्ट हिंदी में ब्लॉग है, तो बहुत ही स्ट्रगल मैंने किया है ये ब्लॉग करने के लिए। आपका एक सपोर्ट, एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमको ये इंस्पायर करेगा कि हम फिर भी ऐसे कोई वीडियो बनाएंगे। सबसे इजाजत लेते हो कि मैं चल बसी, मैं चल गया। देखा होगा फ्रेंड्स एंड फैमिली एक साथ फिर अनदर ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। यहाँ पर अब नहीं विद्युत और करंट इलेक्ट्रिसिटी जापानीज कंपनी फिर भी ये नहीं, ये न्यूली पूरा पूरी अब सबके सब जंगल हो गया और उत्पन्न करने 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी